हेलो स्टूडेंट, दिस इज सिद्रा फ्रॉम अजयनपुर। आज हम डिस्कस करेंगे लोकोमोशन इन इनवर्टिब्रेट्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं लोकोमोशन इन जेलीफिश। जेलीफिश की एनाटॉमी अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर होता है हेड, इसका बेल शेप्ड होता है। दीज आर टेंटिकल्स। और इसके अलावा इसकी बॉडी में एक ओपनिंग होती है वाटर इनटेक के लिए। ओपनिंग या पोर जिसे हम कहते हैं। अब इसके अंदर मूवमेंट किस तरह से होगी? जेलीफिश का हैबिटेट जो है वो वाटर ही है, तो ये क्या करती है, इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग है इसके थ्रू वाटर इनटेक होता है। अब वाटर जब इसकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल्स। वाटर एंटर होने से क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मसल्स के मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के साथ ही ये जो वाटर इनटेक इसने किया होता है, उस सारे पानी को जेट प्रोपल्शन मूवमेंट के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है आउटसाइड द बॉडी। अब इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, वाटर और जेलीफिश है। वाटर इनटेक के बाद क्या होगा, इसकी वाटर को जैसे ही ये बाहर रिलीज करेगी, प्रेशर डिवेलप होगा और जेलीफिश की मूवमेंट क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी। इसको हम नाम देते हैं जेट प्रोपल्शन मूवमेंट का। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में हमने देखा था कि कॉकरोच के अंदर होता है एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कॉकरोच की, तो इसका जो स्केलेटन होता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है क्यूटिकल पे, और इसके अलावा इसके अंदर थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं। हमने देखा कि जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स ही होते हैं, और कॉकरोच जो है ये भी क्या है, एक आर्थ्रोपोड है। इसके अंदर भी जो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं वो खास करते हैं स्विफ्ट वॉकिंग, जिसके थ्रू कॉकरोच में मूवमेंट होती है। ये क्या है, हाइंड लेग्स, और इन्हें हम नाम देते हैं प्रोप और सेंट्रल लेग्स का। और ये क्या है, फोर लेग्स। अब इसमें मूवमेंट किस तरह से होगी, फोर लेग्स क्या करेंगे, पुल्स द बॉडी, यानी बॉडी को पुल करेंगी मूव करने के लिए, फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए। प्रोप लेग्स उसको हेल्प करेंगी या सपोर्ट करेंगी इन पुलिंग ऑफ बॉडी। और उसके बाद हाइंड लेग्स पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या होगा, वो फॉरवर्ड मूव करेगा, यानी सबसे पहले इन लेग्स के थ्रू उसकी बॉडी को पुल किया जाएगा, उसके बाद ये उसको सपोर्ट करेंगी और ये उसको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा स्विफ्ट वॉकिंग के अलावा कॉकरोच में मूवमेंट होती है सेकंड फ्लाइंग के थ्रू। अब जो इसके एक्सोस्केलेटन के बारे में देखा कि इसका एक्सोस्केलेटन जो होता है किस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, क्यूटिकल पे, और उसी क्यूटिकल से इसके टू विंग्स बनते हैं और ये विंग्स उसको क्या करते हैं, मूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्नेल्स। इसका भी हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्नेल में भी क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी इसका एक्सोस्केलेटन हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि एक्सोस्केलेटन में
यानी अगर ये एक्सोस्केलेटन है ऑर्गेनिज्म का, तो ये किसके साथ अटैच होता है? मसल्स के साथ अटैच होता है। अब ये मसल्स जब मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, एक्सोस्केलेटन को भी साथ मूव करवाते हैं। अब स्नेल्स के अंदर क्या होता है, मूवमेंट किस तरह से होती है? स्नेल्स के पास ये स्ट्रक्चर होता है जिसे नाम देते हैं ग्लाइडिंग फीट का। ये ग्लाइडिंग फीट जो है क्या करते हैं, उसको ग्लाइड करने में हेल्प करते हैं, और जिससे ये मूव करता है, फॉरवर्ड मूव करता है, और इस मूवमेंट को ओवरऑल हम नाम देते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट का। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन स्टारफिश। स्टारफिश का स्ट्रक्चर हम देखें अगर, इसके अंदर क्या होता है, फाइव आर्म्स होते हैं। आर्म के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं सक्शन कप या सकर, और ये पार्ट जो है इसको नाम देते हैं एम्प्यूला का। अब इसमें मूवमेंट किस तरह से होती है, ये क्या करता है, सक्शन कप वाटर सक करता है, और ये वाटर मूव करता है एम्प्यूला की तरफ। इससे क्या होगा, एम्प्यूला के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर जनरेट होगा ड्यू टू वाटर। हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से अब ये क्या करेगा, ये सक्शन कप से जिसके थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब किया था, यहां से वाटर को रिलीज करेगा आउटसाइड द बॉडी। यहाँ पे एम्प्यूला का साइज इंक्रीज हुआ था क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट है। जब वो उस वाटर को आउटसाइड द बॉडी रिलीज कर देगा हाइड्रोलिक प्रेशर को यूज करते हुए, तो इससे क्या होगा, रिलीजिंग ऑफ वाटर। जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो ये एम्प्यूला जो है ये क्या करेगा, इसके मसल्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मसल रिलैक्सेशन की वजह से स्टार फिश का जो आर्म है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। नेक्स्ट है लोकोमोशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में हमने देखा था कि इसके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोस्केलेटन। स्केलेटन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिक्विड और वाटर। इसके अलावा इसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर हम इसका एक सेगमेंट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेगमेंट है, इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स। इसके अलावा बॉडी कैविटी है जिसको हम नाम देते हैं सिलोम और सिलोमिक कैविटी। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स और ये सर्कुलर मसल्स। अब ये जो है दोनों मसल्स कैसे मूव करेंगे एंटागोनिस्टिकली, अगर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं फॉर एग्जांपल यहां पर यूं प्रेजेंट है, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्शन होगी तो इसका ये जो बॉडी सेगमेंट है ये क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल के रिलैक्स होने के बाद उसके बाद मूवमेंट होगी सर्कुलर मसल्स में। सर्कुलर मसल्स जब मूव करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूड प्रेजेंट है उसको वो क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेगा वो, जिसकी वजह से इसके जो सेगमेंट्स हैं इस सिलोमिक फ्लूड की वजह से उनके अंदर मूवमेंट होगी, जिसको ये मसल्स जो है अपनी मूवमेंट की वजह से उसको फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इसकी बॉडी में मूवमेंट होगी और वो फॉरवर्ड मूव करेगा।
ये था हमारा आज के टॉपिक। अगर इस टॉपिक के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं edgeoinput.com।